හෙලෝ ගයිස් කොහොමද ඉතින් යාළුවන ඔයාලට මම තමයි මදුකාවන්ති ඉතින් මම ලංකාවේ එතකොට දැන් තමයි මිනිමම් පාකිස්තාන් වල මොකද මම පාකිස්තාන් වලින් තමයි මැරි කලේ ඔයාලට එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට ඉතින් යාළුවන මම අලුතෙන් channel එකක් හැදුවා channel එකේ නම තමයි ශ්‍රී ලංකන් ගර්ල් රියැක්ෂන් ඉතින් මං අද හිතුවා අපේ භාෂාවෙන් හදන්න වීඩියෝ එකක් එතකොට වීඩියෝ එකට මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයාර් කරන්නේ බෞද්ධ ආගමට අයිති ස්තූප තියෙන පාකිස්තානයේ තියලෝනේ ඒ ස්තූප ගැන වීඩියෝ එකක් තමයි ඉතින් යාළුවනේ මගේ channel එකට ඔයාලා තාමත් අලුත් නම් channel එක subscribe please video like or share or bell icon भी press කරන්නලා අන්න मुकद मगे अलते वीडियो वाले हमें नोटिफिकेशन वालेट एक मिनट लबेन इतने वेड़ खता कराने है बल वीडियो की स्टार्ट कर ला कोहमद के लिए स्तूप गया ना पुराने कोहमद के ला गाइस कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम फ्रेंड्स वो डॉक्टर उमेर है बैठा है जैन है उसके पीछे तैमूर है और किधर गए हो ये है और साथ हरून और हम सब दोस्तों का प्लान बना है वादी सून वाली साइड है उधर वैसे प्लान हमारे दो साइड हो क्या रास्ते आ रहे हैं कितनी देर में हम पहुंचते हैं वहाँ पे कोई पता नहीं है कोई एस्टिमेट नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब करें सबसे पहले और नोटिफिकेशन बेल वो ऑन कर लें। तो अभी हम चलते हैं पेट्रोल डलवाना है और फिर आगे हम चलते हैं। सो सी यू अभी हम ये होटल पे रुके हैं रोटियां लेने के लिए क्योंकि उमेर को और ये जैन और तैमूर हारून इन सब को बहुत सफर अभी तक अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब करें जवाब अभी हम यहाँ से रोटियां लेके फिर आगे निकलते हैं। अभी बस थोड़ा सा सफर रह गया है अभी हम पानी चेक कर रहे हैं गाड़ी का और हम उधर स्तूपा तो ये आप देख सकते हैं ये है जी हमारे शहर खुशाब सून्स के से सून रेलवे साइड पे आप देख सकते हैं लंका हुआ था और हमें पता चला हमने एक्सप्लोर करते हैं ये जगह देखते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं ये अगर सीढ़ियाँ बंद थी और अभी हम ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं बड़ा खुलने
කොහොමද අනුරාධපුරේ මිහින් තලේ ගියාට පස්සේ හුලඟේ සද්ද එවගෙන अभी हम बिल्कुल नीचे बैठ बैठ के जा रहे हैं और क्यों कि ऊपर सारी इस टाइम अंधेरे में बैट्स हैं मतलब कि चमगादड़ हैं और उनसे बचने के लिए अब मोबाइल नीचे देने जा रहा हूँ हारून को क्योंकि ड्रोन उड़ाना है ऑफकोर्स ड्रोन तो बनता है तो अभी आगे चलते हैं सुपर्ब गडक सतोटे ही ने करते हैं एंजॉय कर कटिया नीचे जाबू पर हमारा सिनेमेटोग्राफर और एडिटर मैं बड़ा कीमती बंदा तोड़े पास तने पता ऐसे चढ़ा जैसे केटू की पहाड़ी सरकार है अभी उनके हालात क्या होते हैं पहाड़ी 20 होखी होनी पड़े जी अभी हम तेरे को ऊपर खड़े हैं आपको नहीं पता चल रहा होगा कि हम ऊपर किस जगह पर खड़े हैं तो अभी क्या हो रहा है स्पेशल आपके लिए अब मेरी आवाज़ हो सकता है हवा भी आ रही हो इस क्योंकि जगह पे हवा बहुत ज़्यादा है और हम इस जगह सिर्फ आपके लिए आए हैं ये जगह आपको दिखाने के लिए वैसे देखिए हमने भी नहीं हुई थी पहली बार ही हम आए हैं तो फिर सोचा क्यों ना कि आप लोगों को भी दिखाई दें तो अब आपने क्या करना है कि जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है ऑन कर लेना है और अगर आपको ये जगह पसंद आई है तो फिर बताएँ ताकि हम इसके अलावा और अच्छी जगह ढूंढें अभी हम सबको लगी हुई है भूख बहुत ज़्यादा और अब इस तरह से हम उतर रहे हैं नीचे उतर के इधर से कोई इधर कोई जगह देखते हैं जो अपना बारबेक्यू का सामान है अपना बारबेक्यू स्टार्ट करते हैं या फिर कहीं अच्छी सी जगह जहाँ पे साया हो क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत है तो कोई साया ढूंढ के और फिर अपना बारबेक्यू स्टार्ट करते हैं और अब हमारा ड्रोन हमारे पास वापस आ गया किधर गया है इधर गया ये आ गया इधर गया हम यहाँ से अपना सामान लेने आए हैं तो इनको इस जगह की हिस्ट्री के बारे में पता है तो आप इनसे पूछते हैं इस जगह की हिस्ट्री के बारे में ये कम से कम यहाँ पे जो सिक्के मिले हैं तो वो बताते हैं कि 2900 साल 2200 साल ये तीन तहजीबें हैं एक ये है एक नीचे एक और नीचे तो ये हिंदू स्टेट जो थी और उनके जो सिक्के थे तो उनके मुताबिक इसकी हिस्ट्री कम से कम 2900 साल बनती है ठीक और यहाँ पे यानी बहुत बड़ी जो सिविलाइजेशन थी और इस अपना इनकी स्टेप्स बनी हुई थी ठीक जो किंग थे या जो भी उनकी स्टेट थी वो नीचे स्टेप के थ्रू जाते और वहाँ से पानी लेते अच्छा हाँ और कम से कम जो है उसको साफ करने के लिए उस जगह को साफ करने के लिए एक दफ़ा पानी स्टॉप हो गया तो 75 घंटे जो है ना
क्रेन ने लगाए तब जाकर वहाँ पहुँचे। सही। और उसमें जेग जैग रास्ता है। ठीक। हमारे मेरे टीचर हैं, उनके जो फादर हैं वो उनको साफ कहते हैं, सलीम से मारते हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ से चश्मा निकल आया ना, अभी वो सलामत, पहले पानी उसमें गिर रहा है और फिर आगे चलते हैं। ये आम शरीफ और इसके मुल्क का जितनी आबादी है। तो अभी जो है वो पानी वहाँ पे आ रहा है, चश्मा बह रहा है, बह रहा है। अच्छा। लेकिन यहाँ क्योंकि सांप वगैरह या इन चीज़ों की वजह से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा, मतलब आप उधर जा नहीं सकते। आप जा नहीं सकते। अच्छा, लेकिन फिर भी जो उसका ज़िगज़ैग रास्ता था नीचे से वो जा सकते। अभी आप हम शरीफ का पानी जो है इसी चश्मे से जा रहा है। चश्मा नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ जा नहीं सकते। और करता कुछ भी नहीं है, मैंने अब कुछ भी नहीं। और इसने क्योंकि गाड़ी से निकाल नहीं सकते थे। कैमरे की बैटरी वो बिल्कुल एंड पे है और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो गया है और लंच हमने कर लिया है, बारबेक्यू जो था वो हमने कर लिया। सिनेमैटिक शॉट आपने देखे होंगे बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो सब्सक्राइब करें वीडियो का मेक तमाई मान कितना මන්නම් බැලි මම පළවෙනි පාර්ට් එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් දැක්කේ. පාකිස්තාන් වල ඉඳලා පොඩ්ඩක් දුරින් තියෙන මේ වගේ තැන්. ඉතින් මම තාම ගිහිල්ලා නැහැ. මං හිතනවා මමත් මටත් යන්න පුළුවන් වේවි කියලා. එතකොට වීඩියෝ එක නම් ගොඩක් හොඳයි, ස්තූපත් තියෙනවා. පාකිස්තාන් එකක් තමයි මොකද මුසල්මාන් රටක්. ඉතින් හිතන්න අමාරුයි මේ බෞද්ධාගමික දේවල් තියෙනවායි කිව්වම. කොහොම වුණත් යාළුවනේ බෞද්ධාගමික දේවල් තියෙනවා. ඒවා තාමත් පැවතිලා තියෙනවා. අවුරුදු 5000කට වැඩිය පැරණි තැනක් තමයි පෙන්වුවේ. මේවා ඉතින් පාකිස්තාන් රජයෙන් ආරක්ෂා කරනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මොකද දැක්කනේ වීඩියෝ එකේ කෑමේ මහදන්නේ ස්තූපත් එක්ක ගින්දරත් මෙයා කළේ. ඉතින් ඒවා විනාශ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලාගේ අදහසත් කොහොමද කියාගෙන යන්න මට අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක like කර share කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අලුත් තැනක් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා ඔයාලගෙන්. bye bye.